जय भीम साथियों, आज का भारत बंद पूरी तरह से सफल रहा। दलित बहुजन समाज ने फिर एक बार साबित कर दिया कि जब जब हमारे हकाधिकार पर हमला होगा, तब तब हमारा समाज सड़क से लेकर संसद तक अपनी बात दमदारी से पहुंचाएगा। भारत बंद की कुछ तस्वीरें देखिए। देश के हर शहर और हर गांव में आज ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। हर चौक चौराहे पर नीले झंडों के साथ दलित आदिवासी समाज के लोग आरक्षण के बंटवारे और क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए नजर आए। दिल्ली से लेकर मुंबई और गुजरात के बनासकांठा से लेकर पटना तक हर जगह बहुजनों ने अपनी एकता और ताकत को जाहिर किया। बहुजनों ने शांति बनाए रखी। हालांकि पटना और जोधपुर समेत कुछ शहरों में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। पटना में तो नीतीश कुमार की जातिवादी पुलिस ने दलितों को लाठियों से पीटा और उनकी गाड़ियों को भी तोड़ दिया। बिहार पुलिस इस कदर बेलगाम नजर आई थी कि पुलिस वालों ने SDM को ही लाठी से पीट दिया। भारत बंद में BSP, ASP, LJP, R, वंचित बहुजन अघाड़ी समेत कई पार्टियां शामिल रही। देश भर में BSP के कार्यकर्ताओं ने नीले झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम अपने समर्थकों के साथ सड़क पर नजर आए। वहीं भीम आर्मी चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी भारत बंद में हिस्सा लिया। दिल्ली में वो अपने समर्थकों के साथ सड़क पर निकले। जब पुलिस ने उन्हें रोका तो वहीं सड़क पर बैठ गए। आइए आपको भारत बंद की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज पूरे देश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये ताजा तस्वीरें यूपी के हाथरस जिले से आई हैं। हाथरस में भारत बंद में शामिल होने के लिए जबरदस्त जनसैलाब उमड़ा। देखिए कैसे हाथरस की सड़कें नीली हो गई। हर ओर जय भीम के नारे सुनाई दे रहे थे और नीले झंडे दिखाई दे रहे थे। बहुजन समाज ने आरक्षण में बंटवारे और क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कड़ा विरोध जताया। ये जो भारत बंद पीछे चल रहा है, इसमें सिर्फ कोटा में कोटा की बात नहीं है, जातिगत जनगणना की बात है। साथ में यहाँ पर निजीकरण में आरक्षण हो, ऐसी भी बात कही जा रही है। पीछे आप देख सकते हैं, ये भीड़ सिर्फ कोटा के अंदर कोटा का विरोध नहीं कर रही है, क्रीमी लेयर का भी विरोध है, साथ में जातिगत जनगणना की बात है, पूरा आरक्षण लागू हो ये बात है। यूपी के आगरा में भी भारत बंद का पूरा असर देखने को मिल रहा है। आगरा में दलित बहुजन संगठन DM ऑफिस पहुंचकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। आगरा में भारत बंद के कारण बाजार और दुकानें भी बंद नजर आई। जब तक जुल्म ही जुल्म करेगा, तब तक के गलियारों से तब तक धरती गूंज उठेगी। जय भीम के नारे। भारत बंद की तस्वीरें बिहार के शेखपुरा जिले के चेवाड़ा से आई हैं। देखिए कैसे जनता सड़क चौराहों पर अपने हक अधिकार के लिए एकजुट नजर आ रही है। नहीं चलेगी।
यहाँ प्रदर्शनकारी प्रशासन के सामने जोरदार तरीके से अपनी मांग रखते हुए भी नजर आए। माध्यम से मतलब आरक्षण में क्रीमिलेयर नन क्रीमिलेयर के माध्यम से SC ST में वर्गीकरण करने का फैसला किया। हम जो अभी आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, यदि आरक्षण नहीं रहता तो आज हम कई मतलब हजारों साल पीछे रहते। आज हमारे जीवन में जो भी जरा मरा चमक दमक आया है तो वो आरक्षण के चलते आए हैं। और ये पता नहीं जो कोलिजन सिस्टम के तहत वहाँ बैठे हुए हैं उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है और वो चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाए और इनका आने वाला पीढ़ी हमारा गुलामी करे, तो ये अब संभव होने वाला नहीं है। गुजरात में भी भारत बंद का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। गुजरात के जामनगर में बहुजन समाज ने आज सड़कों पर अपनी ताकत दिखाई। भारत बंद का असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें गुजरात के बनासकांठा जिले से आई हैं। यहाँ धानेरा में बड़ी संख्या में बहुजन समाज के लोगों ने SDM कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और आरक्षण में बंटवारे और क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कड़ा विरोध जताया। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें बिहार के छपरा जिले से आई हैं। देखिए कैसे बहुजन समाज के लोग विरोध जता रहे हैं। छपरा में पूरा चक्का जाम हो गया और सड़कों पर बहुजन समाज नीले झंडों के साथ डटा हुआ नजर आया। भारत बंद का यहां जबरदस्त असर दिखाई दिया। राजस्थान में भारत बंद का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। राजस्थान के लगभग हर शहर और गांव में भारत बंद सफल रहा। बड़ी संख्या में लोग एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में सड़कों पर नजर आए। जोधपुर में नीले झंडे लेकर लोग सड़कों पर निकले और अपनी मांग दोहराई। जोधपुर के जालोरी गेट पर बहुजन समाज ने चक्का जाम कर दिया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी भारत बंद का जबरदस्त असर दिखा। यहाँ बहुजन समाज की महिलाएं भी सड़कों पर संघर्ष करती नजर आई। वहीं राजस्थान के पाली जिले में भी जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया। यूपी में भी भारत बंद का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें यूपी के फिरोजाबाद शहर से आई। यहाँ बहुजन समाज पार्टी की अगुवाई में बड़ी संख्या में बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरे और भारत बंद में हिस्सा लिया। लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कड़ा विरोध जताया। ट्रेन रोकने की तस्वीरें ओडिशा से आई हैं। भारत बंद का पूरे देश में जबरदस्त असर देखा जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ओडिशा में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोक दी।
बड़ी संख्या में लोग स्टेशन पर पहुंचकर ट्रेन के सामने डट गए और रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया। रिजर्वेशन जिंदाबाद, रिजर्वेशन लॉन्ग लिव, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, अरे जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से। आज के भारत बंद ने फिर एक बार बहुजन समाज की ताकत को साबित किया। अब देखना यह होगा कि क्या मोदी सरकार संसद में कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटती है या नहीं। आज का भारत बंद कई मायनों में अहम माना जा रहा है और इससे देश की दलित बहुजन राजनीति भी तय होगी। आप आज के भारत बंद को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और द न्यूज वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।